नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल, कॉमर्स FR, थर्ड ईयर BCom, सेमेस्टर 5 की एक्सटर्नल एग्जाम 8 फरवरी के दिन फिनिश हुई थी। फिनिश होने के बाद आज 14 मार्च हो गया है और जो रिजल्ट है यूनिवर्सिटी के द्वारा 45 डेज में डिक्लेयर किया जाए, ऐसा एक रूल्स बनाया गया है एक्सटर्नल एग्जाम का। लेकिन हर बार जो रिजल्ट है 70 डेज 80 डेज यानी कि 70 से 80 दिनों के बाद ही डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन इस बार जो रिजल्ट है 45 डेज में डिक्लेयर हो उसके लिए आज रोज ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU तथा मेरे द्वारा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सेक्शन में बातचीत की गई थी कि थर्ड ईयर BCom की जो एग्जाम है 8 फरवरी के दिन फिनिश हुई थी और उसके बाद से लेके आज तक देखने जाए तो करीबन 40 डेज जितना हो चुका है और आने वाले 5 दिनों के अंदर अगर पॉसिबिलिटी हो तो यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट है थर्ड ईयर BCom सेमेस्टर 5 एक्सटर्नल एग्जाम का वो डिक्लेयर कर दे। हाल में थर्ड ईयर BCom सेमेस्टर 6 की इंटरनल एग्जाम चल रही है। जब हमारी बातचीत हुई एग्जामिनेशन सेक्शन में तो उनके द्वारा कहा गया कि जो रिजल्ट का कामकाज है वो अभी प्रोसेस में चल रहा है और जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर जो थर्ड ईयर BCom सेमेस्टर 5 का NSEM एग्जाम का जो रिजल्ट है एक्सटर्नल एग्जाम का जो रिजल्ट है सेमेस्टर 5 का उसको डिक्लेयर होने में अभी कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा। फिलहाल कुछ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके जो चेकिंग है पेपर के जो चेकिंग है वो होना बाकी है। फिलहाल जो हम बात करेंगे तो एग्जामिनेशन सेक्शन के पास से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो कंपलसरी जो पेपर थे उसके कहीं ना कहीं जो पेपर है वो चेक हो गए हैं और उनका जो अभी मार्किंग है उसका जो वेरिफिकेशन का काम है वो चल रहा है। तो वेरिफिकेशन का काम हो जाने के बाद उसके बाद टैबुलेशन का काम होगा, वो होने के बाद 10 से 15 दिन लगभग अभी और लगेगा और उस 10 से 15 दिन के बीच में थर्ड ईयर BCom सेमेस्टर 5 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा।